Hi student, welcome to RCI Azuhab online classes. यहाँ पर माता पिता में उपस्थित रक्त समूह के आधार पर बच्चों के अंदर कौन से रक्त समूह आएंगे उसकी संभावनाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो एक कसम और है इसमें, यहाँ पर हम ले रहे हैं ए और बी। माता के अंदर ए है रुधिरवान और पिता में बी, यहां से जो हो गया रुधिरवान, इसके बाद में एल एल, यहां एल एल क्या बनेगा इसका आई ए आई ओ, इसके लिए बी आई बी आई ओ। यहां युग्मकों का जो निर्माण होगा में आई ए आई ओ आई बी आई ओ, यहां से इसका क्रॉस इसके साथ में जो करवाते हैं इसमें बनेगा आई ए आई बी, इसका करवाते हैं इसके साथ आई ए आई ओ, इसका इसके साथ करवाते हैं तो इसमें मिलेगा अपने को आई बी आई ओ, और यहां से अगर करवाते हैं इसका यहां से आई ओ आई ओ। तो जब माता और पिता दोनों के अंदर, माता के अंदर ए और पिता में बी रुधिर वर्ग है, तो इनकी जो संतान होगी उसमें क्या बनेगा, कौन सा रुधिर वर्ग रहेगा। यहां से एल आई ए आई ओ, यहां से आई बी आई ओ, यहां बना आई ए आई बी से ए बी, आई ए आई ओ से ए, आई बी आई ओ से बी, आई ओ से ओ। यहाँ पर बनने वाले जो रक्त समूह हैं वो ए बी ए बी और ओ, चारों रक्त समूह जो है वो यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर माता पिता के अंदर कौन से रुधिर वर्ग लें जिससे संतति के अंदर सारे ऑप्शन जो है उनकी संभावनाएं रहे, यानी कि चारों जो रुधिर वर्ग हैं उनके बनने की जो संभावनाएं हैं वो कौन से माता पिता में हो सकती है। क्वेश्चंस जो है वो ऐसे बनता है कि माता पिता में कौन से रुधिर वर्ग होना अनिवार्य है जिससे उनकी संतति के अंदर चारों रुधिर वर्ग उत्पन्न हो सकते हैं, ए बी ए बी और ओ। तो माता पिता में कौन सा हो सकता है, ए माता एक में ए और दूसरे में बी, अगर दो ए और बी होते हैं तो यहाँ पर चारों रुधिर वर्ग जो है उनके उत्पन्न होने की संभावनाएं होती है। इस प्रकार से जो कंप्लीट टॉपिक था एक माता पिता में उपस्थित रक्त की रक्त समूह की उपस्थिति के आधार पर बच्चों में रक्त समूह की संभावनाएं वो कंप्लीट होती है। धन्यवाद।